YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं हूँ अमीना और आप देख रहे हैं किचन विद अमीना यूट्यूब चैनल। आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा ये अपनी ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, साथ ही साथ उसकी रेसिपी भी। तो चिकन यखनी ब्लॉग बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। चिकन यखनी ब्लॉग बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन 1.5 किलो। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के सफेद साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने सफेद जीरा, दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 काली मिर्चें, 1 मीडियम साइज की प्याज, 1 हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून हम प्लाव में यूज़ करेंगे। ये सारे जो मसाले हैं साबित, इसको आप जो है ना मरलों के कपड़े में भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल नहीं था तो मैंने जो है ऐसे डाल दिया, कोई मसला नहीं है। मैं जैसे ड्रेन कर लूँगी यखनी बनाने के बाद। उसके बाद है मैंने लिया है प्लाव में, लिया है मैंने 4 से 5 लिया है मैंने प्याज, उसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याली ली है मैंने दही, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने नमक, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने चिकन पाउडर, 1 प्याली ली है मैंने घी। जो इसमें मसाले डालेंगे वो देख लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसा हुआ भुना जीरा, 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने काली मिर्च, 2 टेबल स्पून लिया मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये लिए मैंने 4 आलू बुखारे, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने इमली, इसको मैं भिगो के रख दूंगी। ये मिर्च लिया है मैंने, हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये 3 टेबल स्पून के आसपास है। ये है कुछ साबुत गर्म मसाले, एक बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 छोटी इलायची, जावित्री, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने शाही ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा, और ये लिया है मैंने 2 पीस पात। ये इसमें डालूंगी मैं 3 मीडियम साइज के टमाटर और ये 6 से 7 हरी मिर्चें। चलिए जी पहले यखनी बना लेते हैं और झटपट हम बनाएंगे तो हम दोनों काम साथ साथ करेंगे, एक तरफ हम यखनी चढ़ाएंगे और एक तरफ हम प्याज ब्राउन करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं। देखची मैंने ले ली है, देखची में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले चिकन। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें जिंजर पेस्ट, आप साबुत भी डाल सकते हैं मगर मैं पेस्ट डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, सौंफ, नमक, ये साबुत गरम मसाले, जो प्याज लिया था मैंने उसको कट कर लिया है, हरी मिर्चों को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी मैंने अभी डाला है 7 कप, कम होगा तो हम सिर्फ सारा पानी भी यूज कर सकते हैं। चलिए जी फ्लेम करते हैं ऑन। और इसे 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं और कुक नहीं करेंगे, 10 मिनट भी बहुत है क्योंकि जब हम मसाला जब बनाएंगे तब उसमें भी हमें से चिकन अच्छे से गल जाएगा, फिर तो चूर हो जाता है ना पुलाव में, मज़ा नहीं आता। जब तक हमारी यखनी एक तरफ बन रही है हम एक तरफ जो है प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप घी, घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाले, गरम मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने ऑनियंस, प्याज को ब्राउन करने में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक या 1/4 टीस्पून जो भी अधिकतर हम डालना चाहें, इससे क्या होता है प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे। चलिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें से थोड़ी सी प्याज डालूंगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब इस पर डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट,
ग्रीन चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट इस पुलाव का जो जायका है ना वो बहुत अच्छा होता है। भूल लेंगे। अब मैं फिर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी और अच्छे से भून लूंगी मैं। अब मैं फिर डाल दूंगी अपनी टमाटर जो मैंने चॉप करके रखी थी। फिर हम चला लेंगे अच्छे से और एक तरफ हमारी इडली जो है बॉईल हो गई है। 5 मिनट और हम पका लेंगे अपनी को। चले इसमें मैं 1 टेबल स्पून दोबारा पानी डाल करके ना उसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हमारे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मैं इसे कवर कर दे रही हूँ मीडियम फ्लेम पे, हम इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। चिकन को एक तरफ और यखनी को हमने एक तरफ कर लिया है। चिकन को हमने यखनी से अलग कर लिया था, ये चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं गरम मसालों के साथ डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। थोड़ा सा भूलेंगे वो हमने भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले सारे, धनिया, जीरा भुना हुआ, गरम मसाला, काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च, मैं फिर ऐड कर रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें पानी अराउंड 1 टेबल स्पून। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। अगेन मैं इसे 1 टेबल स्पून फायर डाल के थोड़ा सा फिर भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। अब इसमें हम डालेंगे आलू बुखारे। अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चावल। मसाला अच्छे से बना गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने राइस जो मैंने भिगो के रखे थे। इसे मिक्स कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता ताकि राइस टूटे नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यखनी जो मैंने बनाई थी। ठंडी हो जाए ना तो गर्म करनी पड़ेगी। पहले मैं इसे मिक्स कर लूंगी। सारी यखनी को हमने चावलों में अच्छे से मिक्स कर लिया। मेरे पास कड़ी पत्ता रखा हुआ है तो मैं इसमें वो भी डाल दे रही हूँ, नहीं भी डालेंगे तो ठीक है। नमक हम इस पॉइंट पर देख लेंगे कि नमक कैसे क्या है। इसमें नमक कम है तो मैं इसमें नमक और ऐड कर ले रही हूँ। 2 टीस्पून हम नमक और डाल देंगे और इस पॉइंट पर हम डालेंगे इमली जो हमने इमली का पल्प निकाल लिया था वो डाल दूंगी मैं इसमें और इसे तेज आंच में हम कवर करके पहले कुक करेंगे। चावलों को पकते हुए 20 मिनट हो चुका है। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसे दम पे रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ना।
लिमिट जो मैंने ली थी उसको मैंने 20 से हाफ कर लिया है, वो हम डाल देंगे इसमें। ब्राउन की हुई प्याज ऑप्शनल है, डालना चाहते डालें। मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पिसा हुआ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और क्वार्टर टी स्पून डालूंगी मैं सफेद जीरा, इसमें छिड़ देंगे हम, डाल देंगे और इसे मैं कवर कर दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलिए 5 से 7 मिनट में आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये लीजिए हमारा डिलीशियस यखनी पुलाव बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है यखनी पुलाव की तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उसे प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे। चलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।